तो गुड मॉर्निंग गाइस, और सीधा सनराइज काशी से। ये हमारा आज का सनराइज है। जितने हम घाट देखेंगे ना, सारे 50 से 365 घाट है। तब देख लें आप कितने घाट होंगे। सारे घाट पे जाने वाले हैं। हम चंदनी चढ़ने का नहीं जाएंगे, हम आगे तक जाएंगे। तुम लोग बिलीव नहीं करोगे, ऐसी गलियों से हम मुश्किल से बाइक आई है। और ये फिर हम यहाँ पे घाट पे आए हैं। मेरे को आना था ब्रिज गामा पैलेस खाना खाने के लिए। मैंने बहुत सुना इसके बारे में। बाइक मैंने अपने यहाँ खड़ी। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हमारा ये ऑफिशियली लास्ट डे है बनारस में। तो आज हम जाएंगे घाट नहीं जाए, सुबह शाम दोनों टाइम घाट में जाएंगे। और हाँ, हमें बाबा भैरव के मंदिर भी जाना है, वो भी हम नहीं जा पाए, वहाँ भी जाएंगे। और नाव वाला हमारा वेट कर रहे हैं। जहाँ पर हमने स्टे लिया है वहीं पे एक सर है, वो इससे रिलेटेड काम करते हैं, मतलब टूर ट्रैवल का। तो उन्होंने हेल्प कर दिया, उन्होंने कॉल करके अरेंज कर दिया। नहीं तो कल हमने जब पूछा था ना वहाँ पर कि भाई कितने का कितना क्या चार्ज लोगे, तो उस बंदे ने मेरे को बोला था कि हम आपको रोक रोक के घुमाएंगे, अगर आप रोक रोक के घूमोगे करोगे तो हम आपको 4-4.5 हज़ार रुपये लेंगे। वो शायद रिकॉर्ड भी होगा, इतना कुछ मेरे को बोला था। और अभी इन्होंने मेरे को रेंज करके दिया 2,000 रुपये में। इतना फर्क पड़ जाता है कि जो बंदे यहाँ से होते हैं तो वो इजीली उनको हो जाते हैं। तो अभी वो हमें मिलेगा 80 घाट पे। तो हम 80 घाट से स्टार्ट करेंगे और ऐसे ऐसे करके सारे घाट घूमते जाएंगे। और सेम हम शाम को करेंगे आरती के टाइम सारे घाट के लिए। तो ये तो हमारा आज का घाट वाला प्लान होगा। चलो हम आप लोगों को ना थोड़ा घाट के पास जाके मिलता हूँ, वहाँ जाकर बात करता हूँ कि अभी एक बार पहुँच लो। अगर जितना जल्दी जाऊँगा उतना बेस्ट रहेगा, ग्राउंड में मिलेगा और अच्छे से हम घूम पाएंगे, इसलिए जल्दी का सुबह करा। ओके फाइनली पहुँच गए हम। ठीक लगा देना रस्सी भी, लगती रस्सी तो नहीं लगी कम से कम। यहाँ पे अभी हम पहुँचे हैं, तो शायद मॉर्निंग आरती हो रही है। इधर से सनराइज हो चुका है, सनराइज हो रहा है। और गंगा कितनी प्यारी लग रही है यार, ये पानी बह रहा है। और हमारा बोट वाला वहाँ खड़ा है तुलसी घाट पे। तो अभी हम तुलसी घाट पे जाएंगे। यहाँ से जो आपको टंकी दिख रहा है सामने, वहाँ पे तो ये गंगा महल घाट, फिर आता है रीवा घाट। घाट ही घाट है देखो, और क्या हर घाट का नाम जो अलग है वो अलग अलग ही मतलब के साथ है, मतलब कोई ना कोई स्टोरी इन घाट के साथ, वो भी देखेंगे। पहले अपने बोट वाले को ढूंढ लूँगा एक बार। तो फाइनली ये तुलसी घाट, और हमें हमारा बोट वाला मिल गया, सुरेश जी। सुरेश नाम, अब अच्छे से घुमा देना हमें, आपके भरोसा है हमें इतनी दूर से। हाँ मैंने बोला था, मैंने बोला था, उनसे पूछा था क्योंकि मेरे को यहाँ कोई मिला ही नहीं। देश का नंबर वन सीमेंट। ये जब ये बैठने लग जाए ना, इसको उधर कर देना। वाओ अरे डूब के नहीं जाती तुम, वो भाई झुक गई ना हो पूरी। तो गुड मॉर्निंग गाइस, और सीधा सनराइज काशी से। ये हमारा आज का सनराइज है। ये हमारा व्यू है गंगा, ये भैया भी हम लेके जाएंगे। और ये हमारे सारे घाट है, हम सारे घाट घूमेंगे यहाँ पे जितने भी है सबके, मैं आपको नाम बताऊंगा। तो भैया आप यहीं से हैं, बनारस से? बनारस के आप? तो बनारस तो बहुत बदल गया, पहले देखा होगा आपने कैसा था है? ये भैया ने अपना चप्पू निकाल लिया। लेट्स गो भाई। सच में सनराइज ना बहुत प्यारा लग रहा है, मतलब बता नहीं सकता। ये लोग जा रहे हैं, भैया कह रहे हैं जिस अकॉर्डिंग मेरे को घूमना है ना, उतना घूमने में हमें 1.5-2 घंटा लगेगा पूरा। तो बेसिकली लोग मणिकर्णिका तक जाते हैं, बट मैंने भैया से रिक्वेस्ट किया है मतलब कि हम जो भी एक्स्ट्रा होगा पे कर देंगे, बट मेरे को सारे एंड तक जो सबसे लास्ट वाला तो यही घाट अगर माना जाए, ऐसे घाट लास्ट होता है। बट हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो बिल्कुल
स्टार्ट तक जाएंगे और वापस फिर यहीं आएंगे। मैं मस्त लग रहा है ना, यहाँ पर सारे घाट दिख रहे हैं और सुबह सुबह अभी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, सनराइज हो रहा है, सनराइज हुआ नहीं है, टाइम क्या हुआ 6:30 हुआ है अभी। ये बेस्ट पार्ट है यहाँ का, एक तो मैं कल मणिकर्णिका गया था, यहाँ से पहले दर्शन हुए, एक ये बहुत अलग एक्सपीरियंस है। मतलब मेरे को वोट वोटिंग पे कहीं भी जाते हैं तो दोस्त वोटिंग करते हैं, मैं कभी नहीं करता, मुझे पसंद ही नहीं है। तो भाई क्या मजा आ रहा है, जितने घाट है जितने टोटल 365 घाट ना भी है यहाँ पे टोटल, जितने हम घाट देखेंगे ना सारे 365 घाट है यहाँ पे, तब देख लें अभी कितने घाट होंगे। हम सारे घाट पे जाने वाले हैं, हम सिर्फ मणिकर्णिका तक नहीं जाएंगे, हम आगे तक जाएंगे, पूरा टाइम आराम से चलेंगे। एक पानी की बोतल दे दो। चलो भैया, आपको पता है ना हम कहाँ तक जाएंगे, बैंक तक बिल्कुल, और आराम आराम से चलेंगे सारे घाट देखते हुए, कोई जल्दी नहीं है। अच्छा एक चीज और बताओ भैया, मैंने सुना है कि पहले लोग आके यहाँ आत्महत्या कर लेते थे। हाँ लास्ट में तो यही बिताते हैं, वो एंड टाइम में मतलब कि हाँ हमारा अंतिम टाइम यही हो, तो अभी जब मकल मंदिर में बता रहा था ना कि वहाँ से कॉरिडोर आता है जो अभी बना है, रिसेंटली बना है ना ये, हाँ तो अभी जो बना है ये काशी विश्वनाथ मंदिर में थे ना, मैंने तेरे को बोला था वहाँ से कॉरिडोर आता है बिल्कुल गंगा पे, तो यही है वो, अच्छा बना रखा मंदिर भी, बहुत अच्छा बना दिया। पहले ये सब घर था इधर। अच्छा ये सारे घर थे, ये सब घर थे, मंदिर बहुत छोटे जगह में था, ये सारे घर वो खरीद करके मंदिर के अंदर ले लिया है बना करके। इस घाट की कहानी बताओ ना क्या है, ये मणिकर्णिका घाट है ये, जहाँ माता जो पहले जो सती माता थी उनके कान पे कुंडल गिरा था यहाँ पे, जो 51 शक्तिपीठ हुआ था कान में कुंडल गिरा था। दूसरी बार जब माता पार्वती का विवाह होगा तो अपने दूसरे कान में कुंडल दे करके कुंडल गिरा था और शिव जी भगवान ने पूछा था, लोगों ने बताया नहीं था, मतलब ऐसे कोई झूठ बोला था तो श्राप दिया, विष्णु जी ने जहाँ गिरा था अपने चक्र से कुंड बनाया, कुंड मंदिर है ना, कौन सा मंदिर, टेढ़ा मंदिर, अच्छा वो टेढ़ा मंदिर है, वो ठीक है, ऊपर वो दीवार दिख रहा सफेद रंग की, हाँ वही वो कुंड है। अच्छा वहाँ पे कुंड है अंकल जी, तो ये कौन सी जाति के लोग होते हैं जो यहाँ पे ये वो करते हैं, डोम बोलते हैं उनको, काशी शायद हमारे देश की सबसे पुरानी नगरी है, सबसे पुराना शहर काशी है और इसको खुद भगवान शंकर ने बसाया था जी, पहले ये आनंदवन के नाम से जाना जाता है, आनंदवन, फिर उसके बाद भगवान शंकर ने इसका नाम काशी दिया, काशी। और ये मान्यता थी कि अगर कोई यहाँ के यहाँ आता है यहाँ पे अपना शरीर त्यागता है तो उसको सीधा मोक्ष प्राप्त होता है। ये मंदिर के दर्शन है भैया, ये वो है ना जहाँ पिछले तो अहिल्याबाई घाट था उसके ऊपर, तो अहिल्याबाई की दासी थी वो रत्नागिरी, हाँ उन्होंने ही यह मंदिर का निर्माण करवाया था। अच्छा, उनके लड़के ने अपने बेटों को आदेश दिया कि जाओ काशी में मंदिर बना, वहां पे पूजा अर्चना करते। अच्छा। ये मंदिर को बनवाया था और वापस जा करके बोला कि मैंने माँ आप तुम्हारे दूध का कर्ज अदा कर दिया। ओके। उसी की माँ बहुत गुस्से में आ गई कि कोई बेटा अपनी माँ के दूध का कर्ज अदा नहीं कर सकता, इसीलिए उस रात मंदिर टेढ़ा हो गया। अच्छा, उनके श्राप से लेकर जहाँ जो पूजा नाव खड़ी है
वहाँ से लेकर जो पीछे जो लाल वाला मंदिर है वहाँ तक बनवाया है, वो सारे ही टेढ़े हो गए, जो तो सारे टेढ़े हो रखे हैं। वापसी आते समय जब साइड से आएंगे ना, हाँ जब देखें। अच्छा हाँ, एक मैंने सुना है कि यहाँ पे अग्नि है जो 24 घंटे चलते रहते हैं, जिसको अघोरी रखते हैं। यही यही जो रेड रंग का मंदिर है ना, हाँ खिड़किया है ना, हाँ बीच वाले में देखिए राखे से दिख रहा है, बीच वाले में हाँ दिख रहा है, हाँ वही चल रहा है। अच्छा, गाड़ी चलाने के लिए वही से एक छोटा सा आगे दिखता घाट है, और अभी दिख भी रहा होगा आपको नया नया बना हुआ, और इसको अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने बनवाया है, तो अगर बोले तो सब कहते हैं मोदी ने बनवाया है। और ये ब्रिज बड़ा प्यारा लग रहा है यार, ऊपर से रोड है, नीचे से ट्रेन जाने का, दोनों का है, ट्रेन का भी है और सड़क भी बनी हुई है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। तो ये है सबसे पहला घाट बनारस का, जो है नमो घाट। ये बन रहा है अभी, और भी तैयार हो रहा है, धीरे धीरे पूरा बन के अभी रेडी हो जाएगा। बट यहाँ आने का मेरा सबसे पहला रीज़न यही था कि ये यहाँ का सबसे पहला घाट यही है, यहाँ से घाटों की शुरुआत होती है। और मेरे को ब्रिज ना बहुत अच्छा लगा यार, नीचे ट्रेन जा रही है, ऊपर रोड है तो गाड़ियाँ जा रही हैं, मस्त है। और बीच में भी मेरे को पतंग भी मिली, मतलब मज़ा आ गया। तो ये हमारा घाट है, वो पेड़ कितना अच्छा लग रहा है ऊपर, ये पेड़ देखो कितना प्यारा लग रहा है भाई, कितना बड़ा बरगद का पेड़ है। ऐसे पेड़ आजकल बहुत कम दिखते हैं, पहले मेरे घर के वहाँ भी था, लोगों ने काट दिया, बहुत हैवी था वो भी। ओके, वो हमारी नाव है। चलो अब सबसे पहले वाले घाट पर नमा लिए, अब वापस चलते हैं। मैं भाई जान रहा बोल रहे कि धूप गर्मी होने लगे, सुबह से कुछ नहीं खा रखा, तो जल्दी निकले तो चलते हैं, पहले कुछ खाएंगे, भला होगा इसका, ये कुछ खिलाएगा मुझे, भूखा मार दिया है आज, एक घंटा ज्यादा भूखा रह लिया, एक घंटा नहीं कई घंटे, मैं 4 बजे की उठी हुई हूँ। चलो बे बोर्ड पकड़ देना, अरे ट्रिपल ट्रिपल, अरे नहीं ऐसा बैठ जा देना, वो ऐसे पलट सकती है ना, नहीं पलटे ये नहीं पलटी ना, अब हाथी चढ़ते हैं तो पलट तो जाती है। वापिस आ चुके हैं, प्रभु घाट है और हम पहुंचने वाले ऑलमोस्ट। तो हमने सुबह स्टार्ट किया था 6 बजे और अब देखो टाइम हो रहा है 8:41, मतलब 9 बजने वाले हैं, हमें 3 घंटे हो गए, और जबकि हम सब घाटों पे नहीं रुके, बहुत कम पे रुके थे, और बस बीच में घूमते घूमते इतने नाव से घाट इतने प्यारे लगते हैं ना भाई। वो मंदिर कहाँ है जहाँ पे रामायण रखी हुई है? हाँ, तो मंदिर खुला होगा, किस टाइम खुलता है? फाइनली वोटिंग हमारी हो गई है, अब शाम को चलेंगे आरती के टाइम और सनसेट के टाइम। बट एक चीज दिखाना चाहता हूँ मैं, देखो भाई खाना चाहता हूँ, आप लोग वीडियो में देखते हो वो होता है, और ये है रियलिटी, ये वीडियो का ये आफ्टर जो शूट होता है ना, खुद ही हम
दादा हैं, खुद ही सारे जो काम खुद ही करते हैं, डायरेक्टर खुद ही बने हुए, ऐसे उठा घूमना पड़ता है बस यही। और गर्मी धूप इतनी गंदी हो चुकी है ना, बस मन है कुछ खा लेते हैं, कुछ निकल। फाइनली पूरे 3 घंटे बाद हम वापिस आ गए बाइक पे, तो अब लगी है भूख, और भूख लगी है तो खाना चाहिए अच्छा वाला। तो यहाँ पे कल किसी ने एक रेस्टोरेंट बताया था हमें, तो मैं सोच रहा हूँ बाय बाय उसी रेस्टोरेंट में चला जाए और रेस्टोरेंट के फूड का आनंद किया जाए। भाई कहाँ गलियों में लाया है, कहाँ गलियों में लाया है, देख रहे हो इतनी बड़ी बाइक कोई नहीं दिखेगी आपको, सिर्फ मेरी है। तुम लोग बिलीव नहीं करोगे, ऐसी गलियों से आऊंगा, मुश्किल से बाइक आई है। और ये फिर हम यहाँ पे घाट पे आए हैं, मेरे को आना था ब्रिज गामा पैलेस खाना खाने के लिए, मैंने बहुत सुना इसके बारे में। बाइक मैंने अपने यहाँ खड़ी कर दी है, जैसे तैसे करके आ गया। अब इसके बाद हम अंदर जाएंगे खाना खाने, वो कह रहे हैं गार्ड यहाँ पे कि बुकिंग करानी पड़ती है, मैंने तो कोई बुकिंग नहीं करा रखी, तो देखने क्या सीन है, इतनी दूर आए कुछ खा के तो जाएंगे भाई। तो ये बहुत पुराना है, तो इन्होंने महल टाइप बना रखा है, तो अंदर जाके देख लेते हैं क्या है क्या नहीं। We don't have any booking. We just heard about your place. That's why we are coming here. So, do you have any place for two? We only have want to have some breakfast. Actually, restaurant is going to be. We can wait if you just make sure that after 15 or 20 minutes we will get a table. Sir, abhi to sabhi bhare wala hai. 9:30 baje to full ho jayega. So, mere ko agar booking karani hogi to kitna der wait karna padega? Aapne senior staff ko प्लीज़ एक बार भेज दो, क्योंकि मैं ना बाइक लेके आया हूँ, मुझे पता नहीं था बाइक में आते तो बहुत मुश्किल है। प्लीज़ इंसान का खाना खाना ना मेरे को हर जगह फंसा के रखता है, बताओ ये इंसान जो खाना खाने के लिए कमाता है, सिर्फ खाना खाने के लिए ही कमाता है, डिफरेंस होता है उस चीज़ में। तो काफ़ी हैपनिंग सा लग रहा है, बट अभी शायद इनके पास स्पेस नहीं है बैठाने के लिए, तो बुकिंग करानी पड़ती है, मुझे इसका कोई आइडिया नहीं था। रिक्वेस्ट किया उनका सीनियर स्टाफ आएगा तो उनसे बात करते हैं क्या सीन है, और यहाँ से व्यू बहुत प्यारा है भाई, बिलीव नहीं बहुत प्यारा। नहीं होगा तो ज़्यादा क्या करेंगे, रात की बुकिंग करा दें, डिनर कर लेंगे, मैं प्लेस देख लूँगा बैठ का। Find myself wondering what did happen to the last 10. Ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year. अभी हम ब्रेकफास्ट करके आ चुके हैं, अब होटल जा रहे हैं, क्योंकि इसकी बैटरी डाउन है, इसकी बैटरी डाउन है, हर इसकी बैटरी डाउन है, तो हम होटल जाके बात करते हैं। Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I had.